जय हिंद प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मासूतोस दोस्तों, आपको आंसर की आने के बाद हम कट ऑफ देखते हैं, जिसका हम सीएमए और डीएमएस का देखते हैं। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का दोस्तों कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो होगा वो मैं कल सुबह बताऊंगा, और ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में सर्वे डाल दिया है। मेरे हिसाब से लगभग 2.5 से 3 हज़ार लोगों ने वोट दे दिया है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा टेलीग्राम चैनल में कैसे आपको जुड़ना है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कट ऑफ नहीं है आपके लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अगर नंबर इतने आ रहा है तो फिर आपको मटेरियल कैसे मिले, मतलब सेकेंड राउंड का पीडीएफ और बुक्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों जो मेरे पास बहुत सारे पीडीएफ बुक्स हैं जो मैं आने वाले टाइम में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कट ऑफ मैटर नहीं करता, मैटर करता है आगे आपकी तैयारी करना। तो दोस्तों सीएमए और डीएमएस का या आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सेकेंड राउंड का जो भी टेक्निकल का बुक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ मेरे को आप आंसर की प्रोवाइड कीजिए और वहाँ मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों, वहाँ मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ। तो दोस्तों 3 से 4 दिनों में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। अभी थोड़ा काफ़ी बिजी हूँ, लेकिन जब जो जो मेरे को पीडीएफ मिलता रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ज़रूर उस चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको क्लिक करेंगे पहला और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं सर्वे भी कंडक्ट करा रहा हूँ, ब्रांच वाइज भी करा रहा हूँ, जोन वाइज भी कराऊंगा, कल आज डाल दूंगा। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए और उससे आपको एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगा। दोस्तों वो मेरा चैनल लगभग समझ लीजिए 73,000 के करीबन पहुँचने वाला है। काफ़ी लोग आज लोग ज्वाइन किए हैं और काफ़ी तेज़ी से चैनल ग्रो कर रहा है केवल रेलवे का। अब हम ज़्यादा लेट ना करके हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें सीएमएस और डीएमएस का काफ़ी डिमांड था, जो लोगों के कमेंट आ रहे हैं, जो नंबर आ रहे हैं, जो मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं कट ऑफ बना रहा हूँ और दोस्तों यही कट ऑफ जाने वाला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको कि इसका कट ऑफ क्यों कम जाएगा। दोस्तों इसका कट ऑफ इसलिए कम जाएगा क्योंकि बीएससी यूएससी लेवल का है, और जिन्होंने बीएससी दोस्तों कर रखा है उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि किसी को पता नहीं था, लोगों के दिमाग में था जूनियर इंजीनियर। तो जो जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि इसका कट ऑफ जितना मैं बताऊंगा उससे कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, ये कन्फर्म बात है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इन जोन में हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिए, काफ़ी हाई जोन है, इलाहाबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, अजमेर, भोपाल, पटना, मुंबई, गोरखपुर, रांची, ये दोनों को थोड़ा सा कम मान लीजिए। थोड़ा सा जोन ऐसे हैं कि ये कभी कभी हाई होते हैं लेकिन मैक्सिमम ये कम रहते हैं, साउथ में थोड़ा कम रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए नॉर्थ का साउथ में ज़्यादा फॉर्म भर दिया तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बाकी साउथ में जो है कट ऑफ जाने के थोड़ा चांस कम रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन जोन से हैं तो आपका सीएमए और डीएमएस का कट ऑफ कितना हो सकता है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये सीएमए और डीएमएस के लिए ही बता रहा हूँ, मैं जूनियर इंजीनियर के लिए नहीं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा जूनियर इंजीनियर का जाएगा कट ऑफ, ठीक है। तो ये नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैं अचानक कट ऑफ कम बता दिया आपको। तो दोस्तों जनरल की बात करूँ, अगर आप इन हाई कट ऑफ जोन में हैं तो आपका जनरल का जो दोस्तों कट ऑफ जाने वाला है वो 54 से लेकर 57 तक जाएगा, ठीक है। ओबीसी का देखिए 50 से लेकर 55, एसटी का देखिए दोस्तों 44 से लेकर 46, और एससी का देखें दोस्तों 47 से लेके 51 तक, ठीक है। अगर आप सीएमए और डीएमएस में इन जोन में जाते हैं तो आपका इतने में कट ऑफ जाएगा, रॉ मार्क्स जिस हिसाब से लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। दोस्तों अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा फ्लैक्चुएसन हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, इससे कट ऑफ कम ही रहेगा या तो इतना ही रहेगा, ठीक है। इसका कट ऑफ कम ही जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जोन में। दोस्तों आपकी ये तीन जोन है जो कट ऑफ हमेशा कम ही जाता है और इस बार भी जाएगा। अब जो जोन बच गए हैं, ठीक है, हाई कट ऑफ से जो जोन बच गए, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया दोस्तों, गुवाहाटी हो गया, शायद मैंने इसकी बात नहीं की, तो दोस्तों समझ जाना कि आप लो कट ऑफ जोन में हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाएगा यहाँ, लेकिन लगभग समझ लीजिए ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है, मिडिल मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ कितना कट ऑफ आपका जा सकता है, अगर आप जनरल में हैं दोस्तों तो 50 से लेकर 54 तक जाएगा, और अगर आप ओबीसी से हैं तो 48 से लेकर 52 जाएगा, और अगर आप एसटी से हैं तो 42 से लेकर 45 तक जाएगा दोस्तों, 45 तक जाएगा, और अगर आप एससी से हैं तो 44 से लेकर दोस्तों 47 तक जाएगा। थोड़ा यहाँ मैंने ऑर्डर का थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, उससे मैटर नहीं करता, एसटी का एससी से एसटी का कट ऑफ कम ही जाता है। तो दोस्तों ये था कट ऑफ
ठीक है, बहुत लोग का डिमांड था कि इस ये कट ऑफ आप लाइए, तो पहले मैंने सोचा कि इतने सारे मैसेज थे तो मैंने पहले सीएमए और डीएमएस का लाने का सोचा, क्योंकि ये कम मैसेज आए हैं और उस हिसाब से वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम कम लगा है, ठीक है, एनालिसिस करने में टाइम कम लगा है। जूनियर इंजीनियर का आपको सुबह मिल जाएगा दोस्तों, सर्वे भी मैं कंडक्ट करा रहा हूँ मेरे चैनल पे। अगर नए हैं दोस्तों, रेलवे से जरूरी जो भी पीडीएफ होगा मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, और आगे जो मैं स्टेट वाइज या जोन वाइज, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों बात ये है कि यूट्यूब में बहुत लोग कट ऑफ बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ कट ऑफ, लेकिन सब अपनी मर्जी से बना रहे हैं। मैं जो बना रहा हूँ कट ऑफ और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, जो मेरे से लोगों ने सर्वे किए हैं और जो सर्वे से लोग अभी भी सर्वे चल रहा है उस हिसाब से मैं कट ऑफ बना रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से कोई नहीं बना रहा हूँ, सारा एनालिसिस करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जो भी चीज़ रहेगी रियल रहेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो 100% सही है, कुछ इधर उधर हो सकता है, आप ही लोग के कमेंट और आप ही लोग के एनालिसिस के कारण ही मैं कट ऑफ बना रहा हूँ, ठीक है। आप भी समय कट ऑफ जानना चाहते हैं और मैं मेरा भी काम यह है कि मैं जो कट ऑफ बताऊं बिल्कुल 100% बताऊं। तब तक ले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।